हम लोग नोएडा से आए हैं, कल ही आए थे हम लोग, कल घाट का दर्शन किया, आज मंदिर का दर्शन हुआ सुबह सुबह। मंगल दिन है तो आज अच्छा होता है, तो अच्छे से दर्शन हो गया, लाइन में चलते चले गए, बहुत अच्छा, ज्यादा भीड़ भी नहीं है तो सही से दर्शन हो रहा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर दर्शन हुआ, और यहाँ पे बहुत अच्छा व्यवस्था है, तो दर्शन दूर से भी हो जा रहे, पास से भी हो जा रहे, बहुत अच्छे से दर्शन हो रहा है। बहुत अच्छा लगा घूमकर, भगवान श्री राम की मूर्ति इतनी प्यारी लग रही थी, क्या ही बोलूं, बहुत शानदार है। लाइन भी छोटी सी थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी, मतलब लाइन तो लंबी थी लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगा। अरे मैं तो इंस्टाग्राम पे भी डालूंगी और बहुत अच्छा बताऊंगी सबको कि अच्छे से जाओ, और सबको रिकमेंड करूंगी तो जाने। तो बिन बताए भी लोग सारे आएंगे ही आएंगे, क्योंकि व्यवस्थाएं कैसी लग रही हैं यहाँ पर? व्यवस्थाएं तो बहुत बढ़िया है, अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। अयोध्या की इस पावन धरती पर हम लोग पहुँच कर खुद को गौरवान्वित और बहुत ही बहुत ही पुण्यदायी खुद को मान रहे हैं, क्योंकि इस पावन धरती पर पहुँच कर हम लोग खुद को, हमारा जीवन धन्य हो गया है। यहाँ पर जो इंतजाम किए गए हैं वो अभूतपूर्व हैं, अभूतपूर्व। एक्चुअली प्रॉपर तेलंगाना से हैं, मगर यहाँ के इंतजाम देख के मन तार तार हो गया। मोदी जी और योगी जी का जितना भी दिल से हम लोग अगर धन्यवाद तारीफ करें उतना बहुत कम है, बहुत कम है, हम लोग उनको शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। यहाँ की जो व्यवस्था है और जो भगवान के दर्शन वगैरह, भगवान सबको, हिंदुस्तान के सभी भक्तों को यहाँ पे बुलाएं और अच्छे से अच्छे दर्शन करवाएं, यही भगवान से प्रार्थना करें। जय श्री राम, जय श्री राम। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, सारी दुनिया में हम, सारी दुनिया में हम भगवा लहराएंगे, सारी दुनिया में हम भगवा लहराएंगे। मोदी जी आएंगे, मोदी जी आए हैं, मोदी जी आएंगे, सारी दुनिया में हम सनातन धर्म का झंडा फहराएंगे। जय श्री राम, 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 भारत माता की, भारत माता की। हो गया।